पहली बात फेस रिवील नहीं होगा, पहले बताओ। अच्छा, बातचीत करने से पहले, वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरह क्राउड में आना, बातचीत से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी आपकी, मास्क नहीं उतरेगा, ये उतरने के लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, इंशाल्लाह आपको बोर नहीं करूँगा और कुछ काम की बात ही करूँगा। आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, सर्दी का मौसम था, गालबन 30th November 2018, पूरा शहर गहरी नींद में धुत, रात 3 बजे, और हम इस्लामाबादी तो वैसे ही 9 बजे सो जाते हैं, सोना है। बहरहाल गहरी खामोशी थी, खामोशी ऐसी कि गोया किचन के नल से पानी की गिरती बूंदों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे। घर के करीब एक ट्रेन की पटरी थी, तो उस पटरी से ट्रेन के गुजरने की आवाज, साथ वाले कमरे में बाबा सो रहे थे, तो बाबा के खराटों की आवाज, अच्छा खराटों, अच्छा खराटे भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ना, एकदम उड़ जाते हैं, बंदा डर जाता है यार क्या हुआ। तो बहरहाल इन शॉर्ट बात यह है कि खामोशी बहुत थी उस रात, लेकिन इधर बहुत शोर था, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बड़ा शोर था, लेकिन कारामत मुफीद शोर, कुछ कुछ बड़ा कर दिखाने का शोर, ऐसा शोर जिसमें आपको अपने जिस्म का एक एक रेजा महसूस हो रहा हो कि यार ये कुछ कर दिखाना चाह रहा है, माशरे पर गुस्सा भी आपके अंदर, थोड़ा सा रिवेंज की भी फीलिंग है, और आप उस रिवेंज की फीलिंग को कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसी पॉजिटिव क्रिएटिव तरीके से। लेकिन बात वही है कि मेरे अंदर ना ये जो शोर था, ये मुझे कह रहा था कुछ, ये मुझे कह रहा था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई फेल्ट सो सर्टन अबाउट माई फ्यूचर दैट आई ग्रैब्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड आई रोट समथिंग। आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेड अ प्रेडिक्शन, एंड दिस इन माई हैंड इज दैट वेरी पीस ऑफ पेपर, एंड हियर इज व्हाट आई रोट। मैं चाहता हूँ कि आप जरा इस बात को गौर से सुने, फिर मैं पीछे आता हूँ। हेलो डियर फ्यूचर, यू डिड नॉट हैपन बाय चांस, आई हैव चोजन यू अमंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, एंड यू आर नॉट अ कोइंसिडेंस और लक। आई कैन क्लियरली सी यू एंड आई एम वर्किंग माय वे टुवर्ड्स यू विद अल्लाह एट माय लीड। आई सी यू हैविंग अ प्रोमिनेंट वॉइस, I see you having an impact on millions of people, and I see you addressing a large crowd. ये आज से 5 साल पुरानी बात है, लेकिन ये बात तो सारी self-centered हो रही है, और बात यह है, fact ये है कि यार इस बात से कौन relate कर सकता है कि एक शख्स जिसके पास ना कोई past worthy achievements हैं, ना उसके पास कोई proper career है, I had recently quit my job, तो फैक्चुअली तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर मैंने कैसे कागज पकड़ के उस पर इतनी एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शन लिख ली जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं हजारों लोगों से बात करूंगा और आज एग्जैक्टली ये चीज हो रही है। मतलब दिस इज अलार्मिंग, दिस इज नॉट रिलेटेबल एट ऑल। और दूसरी बात, उससे पहले सवाल ये बनता है, यार ये बंदा जो स्टेज पे आ गया है, ना कोई सलाम, ना कोई इंट्रोडक्शन, बस शुरू हो गया, तो लेट्स जस्ट वाइंड बैक अ बिट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहरम है, एंड आई एम द पर्सन बिहाइंड पाकिस्तान फर्स्ट एनिमेटेड शो दैट गोज बाय द नेम ऑफ शहरम की स्केचबुक। इन द पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन एबल टू गेट 270 मिलियन व्यूज, यानी 27 करोड़ 21 लाख व्यूज, एंड बाय द वे दिस डज नॉट इंक्लूड ऑल द मिलियंस ऑफ व्यूज दैट हैव बीन स्टोलन एज अ रिजल्ट ऑफ कंटेंट थेफ्ट
impersonation, but that's a different topic. मैं आज आया हूँ यहाँ पर आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने और इस इम्परफेक्ट जर्नी की इम्परफेक्शंस में मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉजिटिव सबक मिल जाए जो आपकी लाइफ में काम आ जाए. किसी एक बंदे की यहाँ पे जिंदगी उससे चेंज हो जाती है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा. आई होप दैट इज द केस. मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैनेजमेंट से खास तौर पे और गेस्ट एरिया में कि काइंडली थोड़ी सी मुझे अटेंशन दें और खामोशी से बैठें. इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी. इज दैट पॉसिबल? आप लोग की एनर्जी का मैं थोड़ा जायजा लेना चाह रहा हूँ. क्राउड में क्या सीन है? हैवी सीन नहीं है, डाउन हो गए हैं सारे. मुझे जरा शोर करके बताएं कि कितनी एनर्जी है, मैं जानना चाह रहा हूँ. मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शोर से ही बताएं कि क्या आप लोग ने मेरा काम देखा हुआ है. yes. अगर अभी भी किसी को याद नहीं आ रहा तो क्या आपने हाजी साहब की आवाज सुनी है? अबे भाई ये किधर आ गया? कुछ याद आया थोड़ा बहुत? तो मैं जिक्र करता हूँ अपना. आई वॉज बॉर्न इन क्वेटा एंड माई चाइल्डहुड आई ग्रू अप इन कराची एंड आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ लिविंग इन कराची आई मूव टू इस्लामाबाद एंड फॉर द पास 11 ईयर्स मैं यहीं पर ही रह रहा हूँ. बचपन में एज फार एज आई कैन रिमेंबर मुझे हमेशा से ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, स्केचिंग, डांस, बीट बॉक्स, इन सारी चीज़ों का, हर फनकारी का शौक होता था. बचपन में मुआशरे का असर मुझ पर कंपैरेटिवली कम था. वक्त गुजरा, हुआ ये कि गलती से यूनिवर्सिटी के एडमिशन के वक्त मेरे अच्छे नंबर आ गए और क्योंकि मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मुआशरे का दस्तूर मुझ पर लागू हो गया. और बजाय इसके नॉर्मली केसेस में होता यह है कि सोसाइटी का प्रेशर होता है कि तुमने यही फील्ड करनी है, लेकिन मेरे अपने ही दिमाग में क्योंकि उस उम्र में इंसान वैसे ही नादान होता है तो मैंने अपने आप को यही कहा कि शहरम साहब क्योंकि आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको तो इंजीनियरिंग करनी चाहिए. और आर्ट सीखता कौन है? आर्ट सीखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उस वक्त मेरे दिमाग में यही था. आप लोग में से कितने इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि कभी ना कभी दिमाग में आया होगा, किसी ने कहा होगा कि यार इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या और कोई सेफ फील्ड है लेकिन आर्ट का कोई सीन नहीं है. क्या ऐसा है? यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा वैसे ऑनेस्टली. आप लोग की एनर्जी बहुत डाउन हुई हुई है. ज़रा अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाएं काइंडली, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. सारे खड़े हो जाएं. उठे 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 उठे. यार क्या सीन है, इतना माशाल्लाह यंग लोग हैं यहाँ पर. कम ऑन, हाजी साहब भी आएंगे लेकिन पहले एनर्जी दिखाओ यार. इस तरह नहीं होगा, वन साइड नहीं चलेगा. अब ज़रा फुल अपने जिस्म की ताकत लगाकर शोर मचाए. 1 2 जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू यार, थैंक यू. अच्छा तो हुआ ये, मैं ये बता रहा था, बैठ जा बैठ जा. थैंक यू यार, लेकिन एनर्जेटिक रहना है. हुआ ये कि मैं यूनिवर्सिटी आया, बचपन में जितना आर्ट था, जितने शौक थे, जो दिल चाहता था करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाइफ से जाने लगी. और इंजीनियरिंग, यहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कितने लोग हैं या मेडिकल से? कोई नहीं है. अमेजिंग यार, ये तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन होता ये था कि इंजीनियरिंग में स्टार इज इन द हाउस. बैठ जाए सर, तशरीफ फरमाओ. अच्छा तो इंजीनियरिंग में आहिस्ता आहिस्ता लाइफ से आर्ट और शौक और पैशन निकलना शुरू हुआ और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे अंदर जो ज़िंदगी का एक आंसर होता है वो गायब होना शुरू हो गया. 4 साल इंजीनियरिंग के गुजरे, ग्रेजुएट हुआ. ग्रेजुएट होने के बाद आई वेंट इनटू द फील्ड और 3 साल जॉब की. जॉब में आई वाज़न्ट डूइंग बैड,
लेकिन आई वॉज नॉट डूइंग गुड इधर. ऐसा था कि मुझे अपना आप बस एक जैसे गेम्स में NPC होता है ना, नॉन प्लेबल कैरेक्टर, जिसमें आप मतलब आपका कोई मेन रोल नहीं है, आप एक मीडियोकर बस नोबडी हो, आप हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मेरा वो वाला हिसाब हो गया था. उस वजह से आई वेंट इनटू अ डार्क प्लेस और मैंने कहा ये क्या, इसका फ़ायदा क्या है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब डेली बेसिस पे ये क्या ड्रामा है. ऑफिस जाऊँ, ऑफिस जाकर वो बातें कहूँ जो मैं मेरा जिनका मतलब नहीं है. एक पर्टिकुलर रोल है आपने, वो रोज़ जो है पहन कर आपने सबके सामने चलना है. बॉस आएगा तो बॉस के सामने आपने अच्छे से बैठना है. चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आप बेजार होगे कि इन्होंने ये क्या बात कह दी, वो क्या बात कह दी. तो इन शॉर्ट लाइफ से वो रंग ख़त्म हो चुका हुआ था और उसकी वजह से आई फाउंड माई सेल्फ इन अ वेरी डार्क प्लेस. वक्त के साथ साथ मुझे वही बात है कि आपको दोस्त अच्छे बनाने चाहिए. एक आध मेरे अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे किताबों पर लगाया. देन आई स्टार्टेड रीडिंग और पढ़ने से मुझे ये मालूम होना शुरू हुआ कि मेरे लाइफ में जितनी भी डिसीजंस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, वो मैं मोस्टली फियर बेस्ड ले रहा हूँ. एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आज उस कॉन्सेप्ट के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ. वो ये है कि इस दुनिया में एक वक्त में दो ऑपोजिट चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं. लेट मी टेल यू हाउ. जब हम कहते हैं कि अंधेरा है, टाइम्स अप, तो मुझे बुलाया क्यों था? पाँच मिनट और. तो आखिरी बस क्लोजिंग बात यह है, कहानी तो लंबी थी, वही बात है कि वक्त कम पड़ गया. इन शॉर्ट बात यह है कि या तो आपके अंदर डर होगा या आपके अंदर फेथ होगा, दोनों चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकती. एंड द फैक्ट इज डर भी दरअसल फेथ और ईमान की कमी का नाम है. जब आप अपने दिमाग के अंदर फेथ को रास्ता नहीं दोगे तो उसकी एब्सेंस का नाम फियर है. बिल्कुल इसी तरह जैसे कमरे में अंधेरा होता है तो दरअसल वो अंधेरा क्या है, वो रोशनी की कमी का नाम है. जब सर्दी होती है वो क्या है, वो हीट एनर्जी की कमी का नाम है. इसी तरह जो नेगेटिविटी है वो दरअसल खुद कुछ नहीं है, वो पॉजिटिविटी की कमी का नाम है. अपने दिमाग में लेट पॉजिटिविटी इन, लेट द फेथ इन, अल्लाह ताला के ज़ात पर ईमान रखें. इंशाल्लाह ना आपको फियर से जो है डील करना पड़ेगा और ना इंशाल्लाह डिप्रेशन के मामलात आपके साथ वाके होंगे. तो अपनी स्पीच में यही इख्तिताम पे लाता हूँ. बस ये चीज़ याद रखें कि फॉल इन लव विद द प्रोसेस, आउटकम्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक यू. किधर जा रही है? पहले टाइम्स अप देते हैं फिर कहते हैं किधर जा रही है. हाँ, टाइम्स अप देते हैं.